सीरियल अनुपमा में वनराज ने अनुपमा से अद्वैत के साथ बढ़ती नजदीकियों पर किया सवाल। अनुपमा और अद्वैत के साथ बढ़ती नजदीकियों से परेशान हुए वनराज। जी हाँ वनराज, अनुपमा को अद्वैत के करीब आता देख होती है जलन, और यही कारण है कि जब अद्वैत नंदनी और समर की सगाई के लिए आया था तो वनराज ने अद्वैत का किया था अपमान। दरअसल वनराज को लगता है कि अनुपमा उसके बिना नहीं रह पाएगी, और शायद यही वजह भी है कि इस बार वनराज की ये चिंता से ज्यादा एक चुनौती बन चुकी है। वही जब वनराज काव्या से कहता है कि उसे कोई भी नौकरी मिल सकती है जिसे वो बहुत आसानी से चाहता है, इस पर काव्या ने तुरंत जवाब दिया कि वो पिछले 7 महीनों से यही सुन रही है। जिसके बाद काव्या करती है सवाल कि आखिर जब तलाक के बाद अनुपमा अपने जीवन के हर पल का आनंद ले रही है तो तलाक उसे इतना परेशान क्यों कर रहा है। साथ ही काव्या ने वनराज को यह भी बताया कि उसकी और अनिरुद्ध की तलाक की तारीख आ गई है और अब उन्हें रिसॉर्ट में ही शादी कर लेनी चाहिए। वेल, अब क्या अद्वैत के करीब आता देख वनराज के सवालों का क्या देगी अनुपमा जवाब? क्या अनुपमा वनराज को सच बताएगी? क्या अनुपमा अपने कैंसर के बारे में परिवार को बताएगी? और क्या अनुपमा के साथ बदतमीजी करने के लिए बा और वनराज माफी मांगेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा।